अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बता रहे हैं कि गाजर का जो पानी में अचार डलता है वो किस तरह डलता है। यह अचार हम लोग खाने के साथ तो खाते ही हैं, स्पेशली चावलों के साथ, मटर के चावल होते हैं या आलू के चावल होते हैं उसके साथ ये पीने में और गाजर खाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन अगर आपको अपना वेट लूज करना हो तो ये उसके लिए भी बहुत कारामद है। इसके लिए हमने ली है ये 100 ग्राम राई ली है, 1 टेबल स्पून हमने ये पिसी हुई काली मिर्च ले ली है, 5 टेबल स्पून ये हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 4 टेबल स्पून हमने ये पिसा हुआ नमक लिया है। इसमें अगर आप चाहें तो जो नमक दूसरा लाहौरी नमक आता है वो भी डाल सकते हैं, वो इससे भी थोड़ा ज़्यादा डलता है। ये हमने नेशनल का सॉल्ट लिया है और ये हमने ली है अदरक और उसका लहसुन का पाउडर, इसे सौंठ भी कहते हैं। सूखी हुई जो अदरक होती है उसे सौंठ कहते हैं। तो ये उसमें हमने थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन का भी पाउडर मिला लिया है, 1 टेबलस्पून ये है। इसके साथ ही हमने ली है 1.5 किलो गाजर जो कि हमने इस फॉर्म में काट ली है थोड़ी लंबी लंबी, और इसमें 2 जग पानी डलेगा। अब हम ये आपको बताते हैं, सबसे पहले करना क्या है, हमें ये जो हमने राई ली है इस राई को हम ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये ब्लेंड करने के बाद हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो अचार है कोशिश करें कि मटके में डले या फिर किसी कांच के बर्तन में डले, बड़े मर्तबान में या किसी उसमें, प्लास्टिक में भी वैसे तो डल जाता है लेकिन उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना अच्छा मटके में आता है। इसके लिए हमने ये एक अदद मटका ले लिया है, ये मटका हमने धोकर खुश कर लिया था। इसमें जो हमने गाजर काट कर रखी है, सबसे पहले हम इसमें ये गाजर डालेंगे। ये गाजर हमने इसमें डाल दी है और इसके साथ ही हम इसमें ये जो हमने 100 ग्राम राई ली थी इसे पीस लिया है, इसे भी इसमें ही ऐड करेंगे। और ये नमक मिर्चें और ये काली मिर्च भी हम इसी में डाल देंगे। ये नमक है और ये हमारा अदरक और लहसुन का पाउडर है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ ही हम इसमें 2 जग पानी के डाल देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है, ये सारा इसमें मसाला हमने अच्छी तरह गाजरों पे मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ये देखेंगे हम एक जग और पानी का ऐड करें और इसे हम मिक्स कर देंगे। इसे तकरीबन कम से कम जो है 5 दिन लगते हैं खट्टा होने में। अगर आपको नमक मिर्च कम या ज़्यादा लगे तो इसमें अगर ज़्यादा लगती है तो पानी आप और भी ऐड कर सकते हैं, और अगर कम लगे तो ज़्यादा, और ज़्यादा लगे तो कम। लेकिन इसे रोज़ाना आपने खोलकर मिक्स करना है ताकि इसमें फफूंदी ना लगे। और अगर आपको और भी ज़्यादा कोई टेस्ट चाहिए तो इसमें ज़ीरा थोड़ा सा पीस कर मिला सकते हैं। हम इसे ढककर रख रहे हैं और प्लीज़ फंगस से बचाने के लिए याद रखिएगा कि इसमें रोज़ाना आपने चम्मच चलाना है और 4 से 5 दिन के अंदर ये खटास वाला पानी बड़ा मज़ेदार सा हो जाएगा, फिर आप पीजिएगा। और बनाने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, कमेंट्स एंड मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा एवरीथिंग अबाउट इस स्टाइल में। वेट लूज़ करने के लिए बहुत कारामद है ये,
आप इसे पीकर देखें, 1 हफ्ते के बाद आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।